दिया उसे खाया जा रहा। और देखिए सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, दिस बार ब्रैकेट में इन दोनों को आप प्लस करें, फिर आप ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर आप ये मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद आप ये बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ये बिग ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आखिर में आप इस 9.63 को ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आपको यही चीज सॉल्व करके फिर हमने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस बिग ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे और इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, और आखिर में जो आंसर आएगा उसे इसके साथ ऐड कर देंगे, और चाहे तो इन तीनों को हम एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन में ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको एक साथ ऐड किया जा सकता है। ये देखिए इस आखिरी स्टेप में हमने 9.63 को 10.2711 में ऐड किया तो 19.9011 आंसर आ गया। और यहां ये बात याद रखिए कि डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हों आप उनको अलग अलग पढ़ते हैं, इसको